अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चटकारा कांडे गोश्त। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे लिया है आधा किलो गोश्त और यहाँ पे कुछ मसाले हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची और नमक अपने हिसाब से ले, मैंने आधा चम्मच लिया है। अब मसालों को गोश्त में डाल देंगे। पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती, 5 हरी मिर्ची ली है और 3 ब्रेड के स्लाइसेस है, उसको तोड़कर डाल देंगे। ब्रेड के साइड का हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। अब ये सबको मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे ग्राइंड हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लिए है। यहाँ पे एक अंडा लेंगे, उसको फोड़ के इसमें नमक डाल लेंगे थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त के मिक्सचर का बॉल बना लेंगे। अब कांडे लेकर उसमें स्टिक कर लेंगे, इस तरीके से गोल करके उसको चपटा कर लेंगे, अच्छा सा शेप दे देंगे। आप जो शेप में बनाना चाहते हैं बना सकते। अब इसको अंडे में डिप करेंगे और ऊपर से ब्रेड क्रम लगाएंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी सब भी बना लेंगे। स्लो फ्लेम पे पूरा कांडे गोश्त तैयार करेंगे। पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से पक गया है, गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी तरीके से दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे। दोनों बैच हो गए हैं और हम सर्व करेंगे चटनी से। ग्रीन चटनी बनाई है यहाँ पे। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी अच्छे से बन गया है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।